suggest to me more live videos. अच्छा देखो बेटा, ये जो है ये एड्रीनल ग्लैंड है, इस पे है ये एड्रीनल ग्लैंड। किसका हिस्सा है? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का। अब इसमें एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल ग्लैंड जो है, मैंने कहा ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। इसके दो हिस्से हैं, इसके दो पार्ट्स हैं या दो लेयर्स हैं इसके ऊपर, एक कॉर्टेक्स और दूसरी मेडुला। इसके ऊपर दो लेयर्स हैं, एक ये कॉर्टेक्स है और एक ये मेडुला है। दो लेयर्स हैं इस पर। कॉर्टेक्स में से तीन हार्मोन्स निकलते हैं, एक का नाम है एल्डोस्टेरोन, एक का नाम है कॉर्टिसोल और तीसरे का नाम है एंड्रोजिन। तीन हार्मोन्स निकल रहे हैं इस पे से। एक जो है वो ये एल्डोस्टेरोन है, दूसरा कॉर्टिसोल है और तीसरा एंड्रोजिन है। जबकि मेडुला की जो लेयर है उसमें से दो हार्मोन निकल रहे हैं, एक का नाम एड्रीनलिन है, दूसरे का नाम नॉर एड्रीनलिन है। यहाँ पे से दो हार्मोन निकल रहे हैं इसमें से। एड्रीनलिन को हम क्या कहते हैं और एपिनेफ्रीन, और नॉर एड्रीनलिन को हम क्या कहते हैं? नॉर एपिनेफ्रीन। अब देखो बारी बारी ये पांच हार्मोन्स हो गए, तो इन पांच हार्मोन्स के काम पढ़ने हैं हमें। तो इनके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला क्या है? एल्डोस्टेरोन। सबसे पहला है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है इसका काम क्या है? इसका काम, इसके तीन काम हैं। एक, रीएब्जॉर्प्शन कराना। किस चीज़ की? सोडियम और क्लोराइड आइंस की। किस में से? किडनी में से। तो जब कभी हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाता है या क्लोराइड आइंस का लेवल कम हो जाता है, तो ये एल्डोस्टेरोन कॉर्टेक्स में से एड्रीनल ग्लैंड के रिलीज़ होता है और ये रीएब्जॉर्प्शन कराता है। फिर हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है उसको मेंटेन करना और ब्लड प्रेशर जो है इसको कंट्रोल कराना, मेंटेन करना, ये काम है इसका। इसके तो तीन मेन फंक्शंस ये हैं। फिर जो कॉर्टिसोल है दूसरा, उसके काम क्या है? एक काम उसका क्या है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कराता है। ये मेटाबॉलिज्म किसको कहते थे हम? चीज़ों का टूटना और बनना। फिर ये कब प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एन्जाइटी। एन्जाइटी किसको कहते हैं आप? एन्जाइटी कहते हैं ना ऐसे कंडीशन जिसमें जो है आपका दिल घबरा रहा है, पसीने आ रहे हैं या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उस वक्त जो है ये प्रोड्यूस होता है, इसको कम करता है। फिर जो हैं, जो बीमारियां हैं हमारी, जो बॉडी में कोई डिज़ीज़ हो रही है उस वक्त, डिज़ीज़ के वक्त जो है ये प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है? ये कम करता है, रिड्यूस करता है किस चीज़ को? इन्फ्लेमेशन को, यानी कि स्वेलिंग को कम करता है। इसके अलावा ये पेन को कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है पेन को। और सबसे आखिर में क्या करता है? प्रोमोट करता है किस चीज़ को? हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन कराता है, यानी कि प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। किस चीज़ में तोड़ते हैं? अमाइनो एसिड्स में तोड़ते हैं, और फिर वो अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट कराने में भी हेल्प करते हैं। अमाइनो एसिड्स को ये कन्वर्ट कराते हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट कराते हैं? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कराते हैं, फिर ग्लूकोज से ये लीवर के पास लेके जाते हैं, वहाँ ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो देखो एल्डोस्टेरोन को ये तीन फंक्शंस थे, ये रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है सोडियम और क्लोराइड की, मेंटेन करा रहा है ब्लड वॉल्यूम और मेंटेन करा रहा है ब्लड प्रेशर। बाकी ये इनके फंक्शंस हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करना कॉर्टिसोल का, प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग एन्जाइटी, ये जो है प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग डिजीज़, ये रिड्यूस कर रहा है किस चीज़ को? इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा है। ये रिड्यूस किस चीज़ को कर रहा है? पेन को। और ये प्रोमोट कर रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स को तोड़ रहे हैं किस चीज़ में? अमाइनो एसिड में। तीसरा हार्मोन कौन सा है जो कॉर्टेक्स में से रिलीज हो रहा है? उसका नाम क्या है? एंडोजिन।
एंड्रोजिन जो है, एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो मीन्स मेल, एंडो का मतलब क्या होता है मेल, एंडो मीन्स मेल, एंडो का मतलब है मेल, और ये हार्मोन जो है एंड्रोजन मेल में प्रोड्यूस होता है। ये मेल में प्रोड्यूस होके क्या करता है, ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट कराता है। ये क्या करता है, ये मेल करेक्टर्स की डेवलपमेंट कराता है, जैसे कि मुस्टैचेस हैं, जैसे कि बेयर्ड है, बेयर्ड और मुस्टैचेस की डेवलपमेंट करा देंगे। कौन, एंड्रोजन। एंड्रोजन फीमेल में प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन अगर फीमेल में प्रोड्यूस होगा तो फीमेल के अंदर, अगर ये फीमेल में प्रोड्यूस होगा, एंड्रोजन किसी फीमेल में प्रोड्यूस होगा तो फीमेल के अंदर मेल करेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट होने लगेगी, ये उनमें होने लगेगा। अच्छा खैर, अब जो दो हार्मोन हैं यहाँ पे, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये क्या है, ये एड्रेनालिन जो है बेटे, ये एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और नॉर एड्रेनालिन जो है ये एक्टिवेट करता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये ड्यूरिंग फाइट फ्लाइट एंड एंगर, फाइट फ्लाइट एंड एंगर एक्टिवेट होता है। ये क्लोज कर देता है हमारे अंदर जितने भी स्फिंक्टर्स हैं उनको बंद कर देता है, जितने भी दरवाजे हैं ऑर्गन्स के अंदर उनको बंद कर देता है। हार्ट बीट इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और ये जो जो वो है बेटे, ये इसका मैं क्या करूँ, अब आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ इसका, मुझे बताओ। ये जो है इसकी इमेजेस जो हैं वो तो क्लियर हैं, अब तो मैं क्लियर नज़र आए इसके लिए क्या करें, ये अब तो मैं नज़र आ रहा है ये। अच्छा ये देखो मैंने क्या कहा, एड्रेनल ग्लैंड जो है, एड्रेनल ग्लैंड जो है मैंने कहा ये एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा हार्मोन, दूसरा हार्मोन कौन सा, कॉर्टिसोल, तीसरा हार्मोन मैंने कहा एंडोजन। ये क्या कर रहा है, ये रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है एल्डोस्टेरोन किसकी, सोडियम और क्लोराइड की, मेंटेन कर रहा है ब्लड वॉल्यूम को, मेंटेन करा रहा है किस चीज़ को, ब्लड प्रेशर को। ये तीन काम है किसके, एल्डोस्टेरोन के तीन काम है। कॉर्टिसोल जो है उसके काम क्या है, ये क्या लिखा है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ये कराता है, ये एनजाइटी में प्रोड्यूस होता है, बीमारियाँ जितनी हैं डिजीज में प्रोड्यूस होता है, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, रिड्यूस किस चीज़ को कर रहा है, पेन को रिड्यूस कर रहा है, और प्रोमोट कर रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन किस चीज़ में, अमाइनो एसिड्स के अंदर। एंड्रोजन के बारे में मैंने कहा कि ये क्या कराता है, ये मेल करेक्टर्स की डेवलपमेंट कराता है, जैसे अपेयरेंस ऑफ मुस्टैचेस, अपेयरेंस ऑफ बियर्ड, ये कर रहा है। इसके अलावा जो मेडुला है, मेडुला में से दो हार्मोन निकल रहे हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन किस चीज़ को एक्टिवेट कर रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये लिखा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये कब काम करते हैं, ड्यूरिंग फाइट फ्लाइट एंड एंगर। और नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रीन ये एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ये रिलैक्स करता है बॉडी को, ये रिलैक्स करता है बॉडी को कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर दोबारा वापस आ जाए। अब एड्रेनालिन जो है, जो एड्रेनालिन है, ये जो एड्रेनालिन है ये मैंने कहा ये स्फिंक्टर्स को क्लोज कर देगा, दरवाज़ों को सबको बंद कर देगा। इसके अलावा हार्ट बीट को इंक्रीज़ करेगा, ये जो है ये हार्ट बीट को बढ़ा देगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और सारे ऐसे काम कराएगा, जो हाइपर वेंटिलेशन कराएगा, ये रिस्पायरेटरी रेट को बढ़ा देगा, ये इसके काम है। यानी कि जो आप किसी से लड़ रहे होते हैं या आपको कोई खौफ होता है तो जो आपकी हालत होती है वो इसकी वजह से होती है, और जब आप वापस रिलैक्स होते हैं तो किसी वजह से रिलैक्स होते हैं, नॉर एड्रेनालिन जो है आपको वापस रिलैक्स कर देता है। तो देखो ये इन दोनों के फंक्शंस हैं, सही है। अच्छा हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम लिखा हुआ है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन हमारे पास किताब में तो लिखा हुआ है रेनिन सिस्टम, किताब में जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखो ये जो है ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है जो किडनी से रिलीज होता है, एंजियोटेंसिनोजेन एक हार्मोन है जो लीवर से रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन भी एक हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज़ हो रहा था, ये एल्डोस्टेरोन जो था ये रिलीज़ होता है हमने अभी कहा कॉर्टेक्स में से एड्रेनल ग्लैंड के।
ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन लीवर से रिलीज होता है, और ये देखो किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 1 में, फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 जो है ये ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है उसको कम कर देते हैं, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरीके से एंजियोटेंसिन 2 पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं जो ADH को रिलीज़ कराते हैं, अगेन वो वैसोप्रेसिन रिलीज़ करते हैं जो वेसल्स को प्रेस करते हैं यानी कि डायमीटर को कम कर देते हैं यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये किडनी पे एक्ट करता है, किडनी के एडिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, वहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होता है और वो रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम और क्लोराइड आयंस की। तो ये तो इसके काम है, सही है। अच्छा एक तो ये था एडिनल ग्लैंड के बारे में कहा था, दूसरा तुम लोगों ने कहा था मुझसे के थायमस के बारे में, थायमस के बारे में। अब थायमस जो है, थायमस जो है, थायमस जो है ये क्या कर रहा है, थायमस जो है ये रिलीज़ कर रहा है एक हार्मोन, उसका नाम है थायमोसिन। थायमोसिन ये रिलीज़ कर रहा है एक हार्मोन, उसका नाम है थायमोसिन। ये थायमोसिन क्या कर रहा है, ये डिफरेंशिएशन कराता है, ये डिफरेंशिएशन कराता है किस चीज़ की, टी सेल्स की, ये डिफरेंशिएशन करा रहा है टी सेल्स की। और हमें मालूम है कि टी सेल्स जो हैं वो मारते हैं किस चीज़ को, वायरस को, तो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो इक्विप करा रहा है। थायमस ये है कहाँ, ये बिहाइंड स्टर्नम है, सीने के पीछे, सीने में होती है ना ये स्टर्नम की बोन, उसके पीछे रखा हुआ है थायमस, और थायमोसिन को प्रोड्यूस करता है जो डिफरेंशिएशन करा रहा है किस चीज़ की, टी सेल्स की, और टी सेल किसको मार रहे हैं, वायरसेस को मार रहे हैं। आखिरी चीज़ जो है वो तुमने कहा था गुनेड्स, तुम लोगों ने कहा था गुनेड्स जो हैं, गुनेड्स बेटे हमारे पास दो हैं, एक जो है वो क्या है, टेस्टिस हैं, एक जो है वो क्या है, एक जो है वो टेस्टिस हैं, एक जो है टेस्टिस हैं, दूसरे ओवरी। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन को, हार्मोन का नाम है, और ओवरी प्रोड्यूस करेंगे किस चीज़ को, दो हार्मोन्स को, एक का नाम है ईस्ट्रोजन और एक का नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सॉरी प्रोजेस्ट्रॉन, सॉरी प्रोजेस्ट्रॉन, ये दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अब टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स की डेवलपमेंट करा रहा है, जबकि ईस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट कराते हैं। प्रोजेस्टेरोन किस चीज़ में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में, ये हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में, इम्प्लांटेशन किस चीज़ की, एम्ब्रियो की टू द वॉल ऑफ यूटेरस, और ये जब तक प्रोड्यूस होता रहता है जब तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती रहती है, तो प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यू प्रोड्यूस होता रहता है। ईस्ट्रोजन जो है एक और काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन जो है ये यूटेरस पे एक्ट करता है और उसकी लाइनिंग को जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्या करता है, ये भी यूटेरस पे एक्ट करता है और क्या कर रहा होता है, थिकनिंग करा रहा होता है किस चीज़ की, यूटेरस की। तो ये जो हैं दोनों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये ज़्यादातर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें भी होते हैं ये हार्मोन्स दोनों के दोनों, ताकि प्रेगनेंसी को रोक सकें। और ये जो है टेस्टोस्टेरोन जो है, मैंने कहा ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट करा रहा है, और दूसरा क्या काम कर रहा है, ये मेल सेक्स सेल्स को भी बनाते हैं यानी कि स्पर्म्स की जो डेवलपमेंट है ये भी करा रहे होते हैं। तो देखो तुम लोगों ने तीन हार्मोन्स के बारे में कहा था, एक एडिनल ग्लैंड, दूसरा थायमस और तीसरे गोनेड्स, ये यहाँ पे ग्लैंड्स हो गए हमारे, इससे पहले भी हम वीडियो कर चुके हैं ग्लैंड्स के ऊपर, ये तीन ग्लैंड्स रिपीट करने के लिए कहा था तो ये मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। सही है बेटे, अल्लाह हाफिज़।